हेलो फ्रेंड्स मैं हूं नूपुर और मेरी एक प्यारी सी बेटी है जिसका नाम है रितिका एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं छह चीज़ों के बारे में जो कि जर्मनी आने के बाद मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा और मेरे लिए शौक और सरप्राइज़ दोनों ही था तो मैं अपनी लिस्ट को स्टार्ट करती हूँ और मेरी लिस्ट में जो सबसे पहली चीज़ है वो है टर्न और टिल्ट होने वाली विंडोज़ तो आपको लगेगा कि विंडो में क्या ऐसा स्पेशल है तो उसके लिए है आपको एक आ, डेमो देखना पड़ेगा हम लोग नॉर्मली विंडो को ऐसे खोलते हैं और सबके घरों में ऐसी ही विंडोज़ होती हैं अगर मैं इस विंडो के हैंडल को वन एटी डिग्री टर्न करती हूँ और अपनी तरफ थोड़ा सा पुल करती हूँ तो ये विंडो टिल्ट हो जाती है इसका मेन पर्पज़ होता है वेंटिलेशन और मुझे शुरू शुरू में थोड़ा डर लगता था कि मैंने विंडो को तोड़ दिया या मैंने डोर तोड़ दिया है बट ऐसा नहीं होता है यहाँ की जितनी भी विंडोज़ होती हैं वो सब अंदर की तरफ खुलती हैं और इसका रीज़न है डेंजर या एक्सीडेंट को अवॉइड करना जो कि खिड़कियों को क्लीन करते वक्त हो सकता है लैडर या फिर लटक के क्लीन करने से तो मेरे लिस्ट में जो दूसरे नंबर पे है वो है आ, हीटर या रेडिएटर इंडिया में हम लोग विंटर्स के टाइम पे या तो ब्लोवर यूज करते थे या तो इलेक्ट्रिक हीटर्स यूज करते थे पर यहाँ पे जो हीटिंग सिस्टम है वो उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है तो ये चीज़ मेरे लिए बिल्कुल नई थी और इसके लिए भी आपको एक छोटा सा मैं डेमो खाती हूँ तो चलिए मेरे साथ अभी आ, मैं हूँ अपने बेडरूम में और इस रूम में दो रेडिएटर्स हैं और ये रेडिएटर्स बेस्ड है सेंट्रल हीटिंग सिस्टम पे यानी कि पूरे अपार्टमेंट के लिए वाटर जो है सेंट्रली हीट किया जाता है और उसके बाद जो हॉट वाटर होता है वो पाइप्स के थ्रू इन रेडिएटर्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है और ये है थर्मोस्टैट बेसिकली ये एक नॉब है और इसमें ज़ीरो से फाइव तक नंबर्स हैं और ये हीटिंग पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता है बल्कि ये टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है तो मुझे भी शुरू में मिसअंडरस्टैंडिंग थी और इसकी मदद से आप रूम का टेम्परेचर सेट कर सकते हैं यहाँ पर दो हीटर्स हैं तो मैं दोनों को अभी दो पे ही सेट करूँगी जीरो से पहले इसमें एक स्टार भी बना हुआ है जिसका मतलब है एंटी फ्रीज सेटिंग अगर टेम्परेचर का भी बहुत लो हो गया और पाइप्स में पानी जमने लगे तो ये रेडिएटर अपने आप स्टार्ट हो जाएगा आप देख सकते हैं कि दोनों ही रेडिएटर्स में थर्मोमीटर भी लगा हुआ है जो कि रीड करता है कि कितना हीट रिलीज हो रहा है तो तीसरी चीज़ जो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा यहाँ पे आने के बाद वो है ट्राम्स आ, मैंने अपनी लाइफ में ट्राम्स पहली बार देखी यहाँ पे आने के बाद और यहाँ पे ट्राम्स को बोलते हैं स्ट्रैशन बंग क्योंकि वो स्ट्रीट्स पे चलती है मुझे ट्राम में घूमना बहुत अच्छा लगता है मुझे आज भी उतना ही अच्छा लगता है जितना मुझे पहली बार बैठ के लगा था सो आ, और सबसे अच्छी बात ये भी है कि यहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल रहते हैं तो जर्मन्स आर नोन फॉर देयर पंक्चुअलिटी एंड स्पेशली पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में तो मैं मुझे लगता है कि और कहीं इतनी अच्छी फैसिलिटी हो ही नहीं सकती इट्स टू गुड तो ट्राम्स है मेरी लिस्ट में थर्ड नंबर पर मेरी लिस्ट में चौथे नंबर पे आता है मेजरिंग स्टिक्स तो मैं आपको दिखाती हूँ ये दो है वुडन मेजरिंग स्टिक्स बेसिकली जैसे हमारे यहाँ पे हम लोग इंच वाली टेप यूज करते हैं वैसे ही ये लोग uh, मेजरिंग स्टिक यूज करते हैं तो इसका पर्पस तो सेम ही है बट मुझे मैंने ऐसी स्टिक्स पहली बार अपनी लाइफ में यहाँ जर्मनी में ही देखा और मुझे पता चला कि ये बहुत ही कॉमन है और सभी जर्म्स के घर में होती हैं तो ये है मेरी लिस्ट में चौथे नंबर पर पाँचवें नंबर पे मेरे लिस्ट में है स्पार्कलिंग वाटर या फिर आप कह सकते हैं कार्बोनेटेड वाटर आ, पुराने टाइम पे जो इलीट्स आ, हुआ करते थे वो लोग स्प्रिंग वाटर यानी कि मिनरल वाटर को ही पसंद करते थे और जर्मनी में बहुत से ऐसे स्प्रिंग्स हैं जिसमें मिनरल्स के साथ साथ डिजॉल्व कार्बन है आ, जिसके वजह से पानी का टेस्ट हल्का एसिडिक और फिजी होता है यानी कि नेचुरल स्पार्कलिंग वाटर है तो लोगों को बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन शुरू से ही है स्पार्कलिंग वाटर का साथ ही अब यूरोपियन यूनियन के लॉ के हिसाब से कोई भी कंपनी बॉटल वाटर बनाते वक्त या पैकिंग करते वक्त कार्बोनेशन ऐड कर सकती है या रिमूव कर सकती है इसीलिए अब इलीज के साथ साथ आम जनता के लिए भी जो स्पार्कलिंग वाटर है ईजिली अवेलेबल है और ऐसी मशीन्स भी आपको लोगों के घरों में देखने को मिलेगी जिससे कि आप घर पर ही स्पार्कलिंग वाटर बना सकते हैं साथ तो है। एक बहुत ही एक्सपीरियंस रहा है जिससे मैं भूल नहीं पाती हूँ पहली बार तब हुआ था जब हम लोग बर्लिन घूमने अपने फ्रेंड्स के गए थे बहुत प्यास लगी थी और बहुत मुश्किल से ढूंढने के बाद एक स्टोर मिला हमने पानी की बॉटल खरीदी लेकिन जब बॉटल खोला और पानी पिया तो वो कार्बोनेटेड था और मुझे लगता है कि जब बहुत जोर की प्यास लगी हो ना तो मेरी प्यास तो नॉर्मल पानी से ही बुझती है मुझे ये कार्बोनेटेड स्पार्कलिंग वाटर ये सब पसंद नहीं है तो इट वॉज अ रियली बेड एक्सपीरियंस लेकिन हाँ यहाँ पे लोगों को स्पार्कलिंग वाटर का बहुत क्रेज है जो आखिरी चीज़ है मेरी लिस्ट में वो है ओवर साइज पिलोज़ तो जब मैं यहाँ पे पहली बार आई और बेडरूम में गई और मैंने देखा कि इतने बड़े बड़े पिलोज़ क्योंकि हमारे यहाँ पे जनरली रेक्टेंगल शेप के पिलोज़ होते हैं और यहाँ पे स्क्वायर शेप के बहुत ही बड़े बड़े स्क्वेशी पिलोज़ होते हैं तो वो चीज़ मुझे थोड़ी अजीब लगी तो फ्रेंड्स ये थी वो छः चीज़ें जो मैंने जर्मनी में आने के बाद अपनी लाइफ में पहली बार देखी और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको जर्मनी के बारे में और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखें और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर